ओम नमः परमहंसास्वादिति चरण कमल चिन्ह कुरन्नाय भक्तजनमानुसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नागेशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्याश्चे हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के 24वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। मनुष्य जीवन के दर्शन पर प्रकाश डालने वाले ये चार अध्याय उसी का यह अंतिम अध्याय है, 24वां अध्याय। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य इसी जीवन में परमेश्वर को, परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी इसी दर्शन को चरितार्थ कर रहे हैं। स्वयं भगवान ही उनके यहाँ अवतरित होकर के आए। श्री ब्रह्मा जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और भगवान के संबंध में संकेत किया। अपनी कन्याओं के लिए मरीची आदि ऋषियों को दान करने की आज्ञा देकर के चले गए। कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार योग्य तत्त कन्याओं को, ऋषियों को दान कर दिया और वे भी प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। अब पूरी तरह से निवृत्त होकर के आप संन्यास लेना चाहते हैं तो पहले जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना चाहते हैं वे भगवान तो स्वयं उनके यहाँ आए हुए हैं, इसलिए एकांत में भगवान की प्रार्थना करने लगे, उनसे आज्ञा मांगने लगे, जीवन का अंतिम पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए श्री कर्दम जी कहते हैं कि भगवान आपके अनुरूप वे ही रूप चतुर्भुजादि बहुत ही उत्तम स्वरूप हैं जिनको आप ग्रहण करते हो और दूसरे जो आपके भक्तजन मनुष्य की आकृति चाहते हैं कि भगवान इस आकृति में हमको दर्शन दें तो उनको भी आप बहुत पसंद करते हो, भक्तों के रुचि वाले रूप। तो इसलिए दोनों प्रकार के रूप ग्रहण करने वाले हो। तान्ये उते धिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि चरु चन्ते स्वजनानाम अरूपिणः। यद्यपि आप अरूपी हो किंतु आपके भक्तजन जैसा रूप देखना चाहते हैं उन रूपों को और जो शास्त्रोक्त रूप है चतुर्भुजादि ये रूप आपके अभिरूप हैं। यहां तक हुआ था। अब आगे हुँ?
आप कहते हैं कर्दन जी त्वाम सूरिभिस्तत्त्वविभूतसयाद्धा सदाभिवादार्हण पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोधो वीर्यश्रियां पूर्तमहं प्रपद्ये। अहम त्वाम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, शरण में आया हूँ। आप कैसे हैं? तो सूर्य भी तत्व बुभुत्सया सदा अभिवादारहण पादपीठम। हे भगवान, आपके चरणों की स्थापना की पीठ, पादपीठ, जहाँ भगवान के चरण स्थापित होते, उनकी सदा पूजा अर्चा किया करते हैं। कौन लोग करते रहते हैं? सूर्य भी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी सूर्य किस लिए करते हैं? तत्व बुभुत्सया, तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आपके चैतीर्थ की आराधना किए बिना तत्व ज्ञान किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे जो आप, दूसरी बात, ऐश्वर्य वैराग्य यशोभ बोधो वीर्यश्रियां पूर्तमहं प्रपद्ये। हे भगवान, आप ऐश्वर्य, छह भग जो कहे गए, ऐश्वर्य से समग्र स्यो धर्म से सदस्य ज्ञान वैराग्य उसके स्वनाम भगवतींगण, वे ही छह ऐश्वर्यादि भगवान के नित्य सिद्ध गुण। ऐश्वर्य एक, वैराग्य दो, यश तीन, और बोध माने ज्ञान चार, वीर माने पराक्रम बल छह, और श्री शोभा छह होने चाहिए, सात हो गए। ऐश्वर्य वैराग्य यश तीन, और बोध वीर और श्री छह हो गए। इनकी पूर्णता आप में है, औरों में योगियों में तो आपके द्वारा ही आंशिक रूप में ये वस्तुएं ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इनकी पूर्णता तो एकमात्र आप में ही है। ऐसे आपकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। टीका, अभिवादारहम पादपीठम यश। सूर्य लोग तत्व बुभुत्सा की इच्छा से सदा सर्वदा आपके चरणों की स्थापना वाले पीठ की आराधना करते रहते हैं। और दूसरा, ऐश्वर्यादि भी पूर्तम पूर्णम, ऐश्वर्य वैराग्य यश आदि छह नित्य भागों से आप पूर्ण रहने वाले हो, उनकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। पुनः कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? ऐश्वर्यादि कहा, विवरण करते हुए कहते कहते हैं, परम प्रधानम पुरुषम महांतम पालम कविम त्रिव्रतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हे भगवान, आप पर माने परात्पर तत्व, प्रधान माने मूल प्रकृति अव्यक्त, पुरुष प्रकृति के साथ में आसक्त होने वाला जीवात्मा, महानतम महातत्व, पालम गुणों में क्षोभ करने वाला तत्व काल तत्व, कविम त्रिव्रतम तीन प्रकार का अहंकार, लोकपालम सारे लोक और लोकपाल, यह सब आपका ही स्वरूप है।
और इतना ही नहीं, आप इस समग्र विश्व प्रपंच कार्य कारण से अतीत भी हो। उसको कहते हैं आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम, अपने स्वरूप की अनुभूति से समग्र प्रपंच को अपने भीतर अनुगत करने वाले हो, मिलीन कर लेने वाले हो। इस प्रकार से आप स्वच्छंद शक्ति हो। स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये, ऐसे कपिल नाम वाले भगवान स्वच्छंद शक्ति की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। टीका, ऐश्वर्यादिकम विवरण नाह, जो छह भग भगवान में पूर्ण बताए गए हैं उन्हीं का विवरण है यह। परम परमेश्वरम तत्र हेतु, हेतु क्या है? स्वच्छंदा स्वाधीना शक्तयो यस्य, परमेश्वर भगवान की सारी शक्तियां उनके अधीन। ऐसा नहीं कि शक्ति जो है जो चाहे सो करवाए, भगवान स्वतंत्र हैं। शक्ति पर अनुग्रह करके अनुसरण करने लगते हैं लीला करने की इच्छा से, ताएवा वे शक्तियां कौन सी हैं? प्रधानम प्रकृति रूपम पुरुषम तद अधिष्ठातारम, अधिष्ठाता प्रकृति के साथ रहने वाला, महानतम महत्त रूपम कालम तेषाम क्षोभकम, गुणों में क्षोभ पैदा करने वाला, त्रिव्रतम अहंकार रूपम, तीन प्रकार का अहंकार सात्विक राजस तामस, लोकात्मकम तत्कालात्मकम च, और लोकों के रूप में लोकों के पालक के रूप में भी आप ही हो। तदेवं माया प्रधानादि रूपता मुक्त्वा, इस प्रकार से श्री भगवान ही माया के द्वारा प्रधानादि रूपता को प्राप्त हो लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। किंतु चिच्छक्त्या निष्प्रपंचता माह, अपने स्वरूप भूत चेतन शक्ति के द्वारा वे निष्प्रपंच ही रहते हैं। यह बात अब करते आत्मानुभूत्या चिच्छक्त्या, आत्मा तो चिद रूप है, उसकी अनुभूति है ना। तया अनुगत स्वस्मिन लीन प्रपंचो यस्य तम, उसी चित शक्ति के द्वारा अपने स्वरूपानुभूति के द्वारा अपने में ही समग्र प्रधानादि प्रपंच को लीन करने वाले हैं। ऐसे जो आप कविम सर्वज्ञम प्रधानाद्याविर्भाव लय साक्षिणम इत्यर्थः, प्रधान जो प्रकृति आदि है इनका आविर्भाव लय दोनों के साक्षी हैं भगवान सर्वज्ञ, ऐसे आपकी मैं शरण ग्रहण करता हूं। पुनः आस्माभिप्रच्छेद्य पतिम प्रजानाम त्वयावतीर्णान उताप्त कामः परिव्रजत पदवीमा स्थितो हम चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। महर्षि कर्दम जी अंतिम प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। आस्माभिप्रच्छेद्य पतिम प्रजानाम, आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हो, रक्षक हो, पति हो, आपकी महिमा से अनुग्रह से त्वया अवतीर्णार उताप्त कामः, मैं मनुष्य जिन तीन ऋणों को लेकर के संसार में जन्म लेता है, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण
उन तीनों ऋणों से मैं आपके अनुग्रह से पार हो गया हूँ। तदनुग्रहण अवतीर्ण अवतीर्ण ऋणान यश एवं भूतवाहम एक। और दूसरा विशेषण और है उतार चकामह, इस प्रकार से मैं समग्र कामनाओं को प्राप्त कर चुका हूँ। अब कोई कामना मेरे मन में प्राप्त करने की नहीं रह गई, इसलिए अद्य आत्माभिप्रच्छे आसमंताद अभिप्रच्छे मैं आपसे सब प्रकार से आज्ञा लेना चाहता हूँ, पूछ करके करना चाहता हूँ। नहीं तो ये हो कि वाह, भगवान तो घर में आए और भगवान को ढूंढने के लिए जंगल चले गए, अशिष्टता मालूम पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, क्या परिव्रजत पदवी मा स्थित हो, हम परिव्राजक की पदवी में आस्थित हो करके हम चरिष्ये त्वाम हृदय युञ्जन विशोकः, हृदय में आपको धारण करके शोक रहित होकर के पृथ्वी पर मैं विचरण करना चाहता हूँ, भी आज्ञा मांग रहा। ठीक है, संन्यासानुज्ञाम प्रार्थित, कृपा करके संन्यास लेने की आज्ञा आप दीजिए। आसमाभिपक्षे आंग उपसर्ग का यत किंचित अर्थ, यत किंचित अभिप्रच्छामि इत्यर्थ, माने भगवान तो सर्वज्ञ है, उनसे पूछना न पूछना क्या है, तुम अपने को टटोलो। किंतु एक शिष्टाचार के नाते त्वया पुत्र रूपेण अवतीर्णानि निवृत्तानि ऋणानि दैवादि रूपाणि, इसलिए पुत्र के रूप में आपने मेरे यहाँ जन्म लिया तो यही तीसरा ऋण रहा जा रहा था पितृण, तो अभी उससे भी मैं निवृत्त हो गया। निवृत्तानि ऋणानि दैवादि रूपाणि देव ऋण ऋषि ऋण पितृण, तो पहले से ही पूर्ण हो गए थे, यही रह गया था। यश सा आप्त कामस्याहम, तो उऋण भी हो गया हूँ और मैं आप्त काम भी हो गया हूँ, कोई नई कामना नहीं है। इसलिए परिव्रजताम संन्यासिनाम पदवीम, जो सब कुछ छोड़ करके संन्यास कर लेते हैं उनके मार्ग का आश्रय लेकर के मार्गम आश्रितः संस्त्वाम युञ्जन स्मरण विचरिष्यामि, आपको हृदय में धारण करके स्मरण करता हुआ मैं विचरण करूंगा, इसके लिए आप आज्ञा देंगे। तब श्री भगवान वाच, अब भगवान जो है कर्दम जी को उत्तर दे रहे, कहने लगे देखो मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जन मया तुभ्यम यदवोचमृतम मुने। हे मुने, मैं ईश्वर हूँ, मैं जैसा कहता हूँ उसी को लोक और शास्त्र वेद प्रमाण मानते हैं, संसार के लोग भी प्रमाण मानते हैं, वेद को भी, वेद भी प्रमाण इसीलिए है कि भगवान की वाणी है। इसलिए अथा जन्मया तुभ्यम यदवोचम हृदम मुने, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर के अवतार लूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है, है ना, जो पहले कहा था उसको रित करने के लिए, सत्य करने के लिए। टीका, अहम तावज ज्ञानोपदेशाय तद गृह अवतीर्ण,
देखिए ज्ञानोपदेश के लिए ही मैं आपके घर में अवतीर्ण हुआ हूँ। अतस्ताव ग्रहे बसतोपि मुक्ति सुलभ। इससे क्या साबित होता है कि अगर तुम संन्यास नहीं लोगे, यहाँ रह जाओगे तो भी मुक्ति सुलभ हो जाएगी। यद्यवश्यम गंतव्यम एव इत्याग्रह। अगर नहीं नहीं संन्यास करना ही है ऐसा आग्रह हो, संकल्प कर चुके हो, तथापि मावे मामेवानुस्मरण गच्छ, तो मेरा ही स्मरण करते हुए चले जाओ। इत्याशयनाह मयेच षड्भि। छह श्लोकों से सत्य लौकिके वैदिके लौकिके चक्रते। अलौकिक माने वैदिक और लौकिक तथ्यों में मेरा वचन ही प्रमाण माना जाता है। सोक्तस्य प्रामाण्यम अभिदर्शयति। इस प्रकार से भगवान ने जो बात कही थी उसका प्रामाण्य दिखा रहे हैं। यद्यस्मात् तुभ्यं तौ पुत्रो भविष्यामित्यवोचम्। क्योंकि तुमको मैंने यह कहा था कि तुम्हारा पुत्र होऊंगा। आथो आतेव तद्व्रतम सत्यम यथा भवति तथा। इसीलिए वह मेरा कथन जैसे सत्य हो उस प्रकार से मैं तुम्हारा पुत्र होकर के आ गया हूँ। तथा मरा आजन जन्म स्वीकृतम। फिर कहते हैं एतन में जन्म लोकेश्मिन मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्वानां सम्मतायात्मदर्शने। श्री भगवान कहते हैं कि हे मुने, संसार में मैंने यह जन्म जो मोक्ष चाहते हैं मुमुक्षुओं के लिए। किससे मोक्ष चाहते हैं? दुराशय से। दुराशय क्या है? वासना बासित अंतःकरण, लिंग शरीर, आशय अंतःकरण, उससे जो मोक्ष चाहते हैं। क्योंकि लिंग शरीर जब तक साधन के द्वारा दग्ध नहीं होता तब तक आवागमन मिट नहीं सकता, मोक्ष संभव नहीं है। यह लिंग शरीर ही तो एक शरीर से दूसरे से तीसरे चौथे और शरीरों में भटकता रहता है। यह जब ज्ञानाग्नि के द्वारा या भगवत प्रेम के द्वारा यह दग्ध हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब मोक्ष मिलता है। तो संसार में मोक्ष चाहने वालों के जो मोक्ष दुराशय से अपने को बचाना चाहते हैं, उन मुमुक्षुओं के लिए तत्वानां प्रसंख्यानाय, तत्वों की संख्या निश्चित बताने के लिए, समन्तायात्मदर्शने सम्मतायात्मदर्शने, आत्मदर्शन प्राप्त करने के लिए जो सम्मत संख्या है, अन्यूनानतिरिक्त, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं, आत्मदर्शन के लिए तत्वों की जिस प्रकार की संख्या व्यवस्थित है उसी का उपदेश करने के लिए। क्योंकि उस उपदेश के द्वारा ही मुमुक्षु दुराशय से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। दुराशयात लिंगान लिंग शरीरात मुमुक्षु नाम मुनि नाम आत्मदर्शने सम्मताय। लिंग शरीर से जो मोक्ष चाहते हैं मुनि लोग, उनके लिए आत्मदर्शन के लिए सम्मत जो तत्वों की संख्या है, तत्वानां प्रसंख्यानाय, मैंने अवतार लिया है विद्ध इत उत्तरस्यानुसंग, आगे संबंध हो जाएगा। एष आत पथो व्यक्तो नष्ट कालेन भूयसा।
तम प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया घृतम्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, यह जो आत्मज्ञान का जो मार्ग है अव्यक्त हो गया है, छिप गया है, कोई नहीं जानता, नष्ट हो गया है। क्यों? बड़ा लंबा समय निकल गया बीच में। भूषा कालेन ऐसा आत्मपथ अव्यक्त नष्ट छिप गया, ओझल हो गया, उसी को फिर से मैं प्रकट करना चाहता हूँ। तम प्रवर्तयितुं देहम इमं विद्धि मया घृतम्। उसी आत्मज्ञान के मार्ग को व्यक्त करने के लिए मैंने यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। ठीक है, ननु अयम आत्मज्ञान मार्ग पूर्व सिद्ध एवं। कोई प्रश्न कर दे कि अरे आत्मज्ञान का माल कोई नया थोड़ा ही है, तो सनातन है, पहले से है। नेदानीम अपूर्ववत प्रवर्तनीयम, एकदम नया की तरह से इसको प्रवर्त थोड़े करना है। तब भगवान ये वाक्य का अर्थ लगाते हैं कि नहीं नहीं, है तो यह सनातन ही, किंतु लंबा समय बीतने से यह ओझल हो गया है, नष्ट हो गया है। गीता के चौथे अध्याय में तो भगवान कहते हैं शयो नष्ट कालेन योगो नष्ट परंतप। बहुत समय बीत जाने के बाद वही ज्ञान योग नष्ट हो गया है, ओझल हो गया है, उसको मैं पुनः तुमको दे रहा हूँ। ये सही थी अव्यक्त सूक्ष्म, सूक्ष्म रूप में ज्ञान तो मौजूद है किंतु वह सामान्य जनों के दृष्टि में नहीं है। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन बता करके अब महर्षि कर्दम को आज्ञा दे रहे हैं। गच्छ कामम मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम् मृत्युम् अमृतत्वाय माम भज। भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम जाओ, मुझसे जो पूछ रहे हो, आज्ञा मांग रहे हो, तो मैं आज्ञा देता हूँ। कामम गच्छ, तुम्हारी इच्छा सन्यास लेने की है तो जाओ ले लो सन्यास, किंतु देखो एक बात का ध्यान रखना, मैं सन्यस्त कर्मणा, है ना, मुझ में कर्मों का सन्यास करना। देखिए सन्यास का कोई लक्ष्य होना चाहिए, सन्यास का लक्ष्य केवल पूजा प्राप्त करना नहीं होता। मैं सन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जय मृत्युम, और सुदुर्जय मृत्यु को जीत करके अमृतत्वाय माम भजो, अमृतत्व मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करना। ठीक है, कामम यथेच्छम गच्छ, आप्रष्टो अनुज्ञाता, आप पूछ रहे हो तो मैं अनुमोदन करता हूँ। यद्वा यथा तुम गंतुम माम प्रष्टवांश, है ना, तथा अत्रावस्था तुम मया दिवाम आप्रष्टेत्यर्थ। अथवा भगवान कहते हैं कि जैसे तुम सन्यास के लिए मुझसे पूछ रहे हो, वैसे मैं भी तुमसे यहाँ स्थित होने के लिए पूछ रहा हूँ। मया की आप्रष्ट तात्पर्य, मैं सन्यस्तेन समर्पितेन कर्मणा, मुझ में समस्त कर्मों का सन्यास करके अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमस्मृते त्रिश्रुते है, सुदुर्जय मृत्यु को जीत करके अमृतत्व को प्राप्त कर लो। माम आत्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम्,
आत्मन्येवात्मना वीक्षो विशोको अभयम् रक्षसि। कहते हैं कि देखो, संन्यास लेने के बाद जो तुम साधन करोगे उसका लक्ष्य क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि देखो, संन्यास का लक्ष्य यह होना चाहिए, माम आत्मानम स्वयं ज्योति ही, आत्मस्वरूप मैं परमेश्वर हूँ, स्वयं प्रकाश, और मैं कैसा हूँ, सर्वभूत गुहा स्वयं, प्राणी मात्र के भीतर हृदय में निवास करने वाला हूँ अंतर्यामी रूप से। ऐसे मुझको अपनी आत्मा में दर्शन कर लेना, आत्मना आत्मन्येव वीक्ष, माने मुझ परमेश्वर को, सब प्रकाश आत्मा को जब अपनी आत्मा में देख लोगे, तब विशोको अभयम रक्षसि, तब तुम शोक रहित हो करके अभय को प्राप्त कर लोगे। ये लक्षण भगवान ने बताया है। जब ऐसी स्थिति तुम्हारी हो जाए कि मुझ परमेश्वर को, जो मैं समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाला हूँ, वही तुम्हारा आत्मा हूँ, ऐसा तुमको अपनी आत्मा के रूप में मैं दिखाई देने लग जाऊं, तब विशोक होकर के अभय को प्राप्त करोगे। टीका, ततश्च माम परमम परमात्मानम आत्मनि स्वस्मिन्नात्मना अन्वीक्षमाणो अभयम मोक्षम प्राप्स्यसि। तब इसके बाद मुझ परमेश्वर को आत्मन स्वस्मिन आत्मना, अपने ही आत्मा के भीतर रूप में अन्वीक्षमाण, जब मेरा दर्शन कर लोगे तब अभय मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से भगवान ने श्री करदम जी को संन्यास की अनुज्ञा दे दी और अब अपना कार्यक्रम बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो भगवान कहते हैं कि मात्रे आध्यात्मिकी विद्याम समणिम सर्वकर्मणाम वितरिष्ये यया चासौ भयं चाति तरिष्यति। मैं माता को आध्यात्मिकी विद्या, है ना, वह विद्या जिससे सब कुछ आत्मा ही है और कोई भी वस्तु बाल के बराबर है ही नहीं, यह विद्या इसलिए समणिम सर्वकर्मणाम, समग्र कर्मों का समन करने वाली यही विद्या है। इस विद्या के बिना समस्त कर्मों का समन नहीं हो सकता। तो इस विद्या को वितरिष्ये, मैं माता को यह विद्या दूंगा और इस विद्या के द्वारा यया चासौ भयं चाति तरिष्यति, इस विद्या को प्राप्त करके मां, है ना, भय को पूरी तरह से अतिक्रांत कर जाएगी, निर्भय हो जाएगी, इसको अभय प्रदान करूंगा। क्योंकि उन्होंने अभय की प्रार्थना की थी ना, दीनता से छुटकारा मिले, कन्याओं का विवाह कर दीजिए और कोई मुझे शोक रहित अभय देने वाला हो। तो भगवान को अवतार लेकर के अभय देने के लिए प्रकट हुए ही हैं। ठीक है, मात्रे देवहूत्यै समनीम उन्मूलनीम, समग्र कर्मों का उन्मूलन करने वाली विद्या है। भयम अतिशयन करिष्यति, भय का पूरी तरह से अतिक्रमण कर जाएगी। परमानंदम प्राप्स्यसीत चकारार्था, और परमानंद को प्राप्त कर लेगी। मैत्रेय जी
विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए अब आगे कहने लगे। एवं समुदितस्तेनो कपिलेन प्रजापति दक्षिणे कृत तम प्रीतो बलमेव जगामः। इस प्रकार से कपिल भगवान के द्वारा सारी योजना बता दिए जाने पर प्रजापति कर्दम जी ने भगवान की प्रदक्षिणा की और प्रसन्न होकर के वन को चले गए। समुदिता सम्यक उगता शांतम प्रदक्षिणी कर सम्यक प्रकार से मैत्रेय जी को जब भगवान ने यह सब बात बताई तो वे प्रसन्न होकर के परिक्रमा करके बन चले गए। और वहां जाकर के क्या किया, व्रतम शास्त्र तो मौनम आत्मैक स्वर्णो मुनि निसंगो व्यचरत क्षुणीम अनग्नि अनिकेतन। ये चल रहा मौन होकर के मौन व्रत ले लिया। आत्मैक स्वर्णो मुनि है ना, आत्मा माने भगवान, एकमात्र भगवान के शरण में स्थित होकर कुछ बोलना नहीं सुनना नहीं, निसंग हो गए है ना। देह गेह क्या, समग्र संसार से असंग हो गए और फिर असंग होकर के विचरत छोड़ी सारी पृथ्वी में घूमने लगे। अनग्नि अनिकेतन, अग्नि रहित तो होकर के कर्म का भार छोड़ दिया और अनिकेतन एक जगह ठहरने का भी निवृत्त हो गए। मुनि नाम इदम मौनम, मौन की व्याख्या है मुनियों का जो हो व्रत है। मुनियों का व्रत क्या है, वही है मौन। मौन मुनियों का व्रत, व्रतम अहिंसा लक्षणम, मौन और अहिंसा लक्षण, किसी को चोट न पहुंचाना और निश्चेष्ट हो जाना। फिर कहते हैं मनोवर्मण युंजानो यत सदसतः परम गुणावभाषे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। अब इस साधन पर चलने से उनकी स्थिति उत्तरोत्तर कैसी बनती चली गई यह वर्णन कर रहे। कर्दम जी ने अपने मन को उस ब्रह्म में जोड़ दिया, मना ब्रह्मण युंजाना है ना, यत सद सत सद असत परम। किस ब्रह्म में, जो सत और असत पार कारण दोनों से परे है, परमार्थ है, गुणावभास से विगुण, गुणों का अवभास उसी में हो रहा है, अधिष्ठान तो वही है किंतु है वह विगुण, ऐसे उस कार्य कारणातीत परम ब्रह्म में मन को संयुक्त कर दिया। एक भक्त्यानुभाविते, एक भक्त्या माने अनन्य भक्त्या, अनन्य रूप से और कहीं पर भी मन नहीं ले जा रहे हैं, उसी में मन को जोड़ दिया। ठीक है, सद सत परम यत तस्मिन ब्रह्मण, जो ब्रह्म काल कारण दोनों से परे है, अतीत है, गुणावभास के निर्गुणे, जो है तो निर्गुण किंतु माया के गुणों का अवभाषक है। एक भक्त्या अभ्यभिचारिण्या भक्त्यानुभाविते अपरोक्षी कृते, एक भक्ति अभ्यभिचारिणी अनन्य अभ्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भक्ति की अनुभावना से उन भगवान को कर्दम जी ने अपरोक्ष कर लिया है, प्रत्यक्ष कर लिया है। और फिर इसका फल क्या निकला, निरहंकर निर्ममश्च निर्द्वंद्व समुद्रक स्वदृक् प्रत्यक्ष प्रशांत धीर धीर प्रशांतोर निरिबोध भी।
कहते हैं कि इस प्रकार से अनन्य भक्ति निष्ठ हो जाने पर वे निरहंकृति और निर्मम बन गए, अहंता ममता का पूरी तरह से अभाव हो गया, इसलिए द्वंद्व से भी परे हो गए, निर्द्वंद हो गए। निर्द्वंद होने से सर्वत्र समद्रक समान दृष्टि, सुख दुख सब स्वजत मन सब प्रकाश, प्रत्येक प्रशांत धीर धीर प्रत्येक रूप से आत्मा का अनुभव करने लगे। प्रशांत धीर बुद्धि उनकी प्रशांत हो गई, धीर हो गए, प्रशांत और मृवोदधि दृष्टांत दे रहे हैं मैत्रेय जी। जैसे कोई ऐसा समुद्र हो जिसमें पहले बहुत सारी लहरें उठ रही थीं, गर्जना हो रही थी, वे सारी लहरें प्रशांत हो गई हैं, शांत जलाशय मात्र रह गया हो, ठीक यही स्थिति महर्षि कर्दम की बन गई। टीका, अतो देहादिषु अहंकारादि रहितः, इसलिए देहादि के प्रति अहंकार नहीं रहा, निरहंकार हो गए, अतएव निर्द्वंद हो गए। शीतोष्णा जराकुल, शीतोष्ण से कोई आकुलता नहीं, समुद्र भेदाग्राहता समान दृष्टि है, भेद का ग्रहण ही नहीं है, किंतु स्वद्रुप स्वम एव पश्यन, वे तो सर्वत्र अपने को ही देख रहे हैं, आत्मै वेदम सर्वम, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, प्रत्येक प्रवणा शांता विक्षेप रहिता धीर्यस्य, प्रत्येक माने अंतरात्मा की ओर लगी हुई शांत बुद्धि विक्षेप रहित हो गई है जिनकी, ऐसे हो गए, यही है जीवन का अंतिम परमार्थ। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मने परेण भक्ति भावेनो लब्धात्मा मुक्त बंधनः। आप कहते हैं कि वासुदेव भगवान सर्वज्ञ में जो प्रत्यगात्मा भी हैं, हमारे आपके इनके उनके सबके आत्मा वही है, सर्वज्ञ वासुदेव भगवान ही प्रत्यगात्मा है, उन्हीं में परे भक्ति भावेन परात्पर भक्ति भावना के द्वारा लब्धात्मा मुक्त बंधन, अब उनको परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है, इसलिए मुक्त बंधन हो गए। तदेवं विध कल्पितो पाठ निवृत्ति मुक्त्वा, अब तक कर्दम जी के भीतर जो कल्पित उपाधियां थीं अंतःकरण आदि, उसकी निवृत्ति हो गई। क्यों? अब तो बुद्धि भी शांत हो गई, भेद का दर्शन भी नहीं हो रहा, इसलिए सारी कल्पित उपाधियां समाप्त हो गई, निवृत्त हो गई। अब परमेश्वर पद प्राप्ति माह, उपाधियों के निवृत्त हुए बिना परमेश्वर पद की प्राप्ति संभव नहीं है, इनकी उपाधियां निवृत्त हो गई, इसलिए परमेश्वर पद की प्राप्ति हो गई। वासुदेव त्रिभी तीन श्लोकों से परमेश्वर पद की प्राप्ति क्या है, इसी को तीन अंतिम तक कहा जा रहा है। प्रतीचो जीवस्य आत्मनि लब्धः आत्मा चित्तम येन, ये प्रत्येक वृत्ति का अर्थ है। प्रतीचो जीवस्य आत्मनि, असल में अज्ञानावस्था में हम सभी लोग बाहर भटकते रहते हैं, बाहर दृश्य शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब बाहर है, किंतु
प्रत्येक रूप में जो शुद्ध चेतन जीवात्मा है वही दृष्टि रह जाए, बाकी ऊपर की उपाधि सब साफ हो जाए। कर्दम जी को ऐसा ही हो गया, प्रतीचो जीवस्य आत्मनि, है ना, जीव की आत्मा है वो, जीवत्व तो उपाधि को लेकर के है। लब्ध आत्मा चित्तम ये न यतो मुक्तम बंधनम अज्ञानम यश्य, क्योंकि अज्ञान रूपी बंधन जिनका मुक्त हो गया है वही तो बार बार जो है चित्त को विक्षिप्त करता रहता है, ऐसे परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। अब परमेश्वर की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है, उसका लक्षण क्या है, तो आगे बता रहे दो श्लोकों से। कहते हैं कि भगवान ने यह उनको कहा भी था कि तुम ऐसा जब कर लोगे तो समझ लो कि मुक्त हो गए, तो भगवान ने जो कहा था वही उनको प्राप्ति हो गई। क्या? आत्मानम सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम, भगवत स्वरूप अपनी आत्मा को सभी प्राणी में अवस्थित देखने लगे। एक श्री भगवान और अपना आत्मा दोनों दो नहीं है, और ये सभी प्राणियों के भीतर अवस्थित हैं। एक अवपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, और आत्मस्वरूप भगवान में सारे भूतों को भी देखते हैं, समस्त भूत प्राणियों में भगवान का दर्शन हो, भगवान में समग्र भूत प्राणियों का दर्शन हो, यह है अभेद व्यक्त हो रहा है। तो कहते हैं कि इस तरह की स्थिति उनकी बन गई। लब्धात्मता मेवाह, टीका में कहते हैं यही जो है आत्मता की उपलब्धि है, आत्मरूपता उनको प्राप्त हो गई। क्यों ऐसा देखने लगे, इसका फल क्या हुआ? इसका फल बता रहे हैं, इच्छा द्वेष विहीनेनो सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेनो प्राप्ता भागवती गति। हे विदुर जी, मैत्रेय जी की स्थिति ऐसी हो गई। कैसी हो गई? इच्छा द्वेष विहीनेनो, कोई इच्छा नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, उपलक्षण है राग भी नहीं, इच्छा द्वेष उपलक्षित समस्त भावों से विहीन हो गए। सर्वत्र समान चित्त है, भगवत भक्ति युक्तेनो प्राप्ता भागवती गति। इस प्रकार से भगवत प्रेम से युक्त हो करके उनको साक्षात भगवत गति प्राप्त हो गई। तदेवं तेन भागवती गति प्राप्त, इस प्रकार से कर्दम जी के द्वारा भगवान की गति प्राप्त की गई। पाठांतरे स एव ताम गतिम प्राप्त इति, पाठांतर है प्राप्तो भागवती गति, इसका अर्थ यह है कि वे स्वयं ही भगवत गति को प्राप्त हो गए। सैव ताम गतिम प्राप्त इति, इस तरह से मनुष्य जीवन का जो अंतिम परम परमार्थ है वह उनको प्राप्त हो गया। हरि ओम तत्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे काकले उपाख्याने चतुर्विंशतितमोऽध्याय ओम भगवदर्पणमस्तु। आप इसके बाद देखिए आगे नौ अध्यायों में भगवान श्री कपिल जी का उपदेश जो अध्यात्म दर्शन है उसका आरंभ होने जा रहा है, 25वें से 33 तक नौ अध्याय। श्रीधर स्वामी संकेत करते हैं
पंच विंशे जनन्या तु प्रष्टो बंध विमोचनम आदावाह परम भक्ति लक्षणम कपिल सुतः। अग्रिम 25वें अध्याय में माता देहूति के द्वारा संसार के बंधन से मोक्ष का मार्ग पूछा जाएगा। तब भगवान के द्वारा कपिल भगवान ने आदावा परम भक्ति लक्षणम कपिल सुतः। कपिल भगवान तो उनके पुत्र ही हैं, माँ ने प्रश्न किया है, इसलिए कपिल भगवान ने आदि में भक्ति लक्षण साधन ही परम साधन बताया। इसके बाद एक श्लोक और लिखते हैं श्रीधर स्वामी। कपिले नार्पिता मात्रे गूढ़ भाव नियंत्रिता योग माणिक्य मंजूषा स्फुट मुद्घाट्यते धुना। कहते हैं कि भगवान कपिल देव जी के द्वारा माता के लिए, है ना, माता देवहूति के लिए गूढ़ भाव नियंत्रिता, छिपे हुए रहस्यमयी भावों से नियंत्रित, सुरक्षित, योग माणिक के रूपी मंजूषा, योग की माणिक रूपी मंजूषा। योग का माणिक क्या है? भगवत प्रीति। भगवत प्रीति ही योग का माणिक है, मणि है। वह एक मंजूषा में, बाक्स में सुरक्षित है, जिससे कि कोई दूषित तत्व उसका स्पर्श न कर ले। स्फुट मुद्घाट्यते धुना, उसी का, योग मार्ग की मंजूषा का स्फुट रूप में श्री भगवान के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। आप पहले सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी, फिर मैत्रेय और विदुर का संवाद आएगा। सौनक जी प्रश्न करने लगे, कपिलः तत्व संख्याता भगवान आत्माया जातः स्वयमजः साक्षात् आत् प्रगतैर्नृणाम्। हे सूत जी, अभी अभी आपने सुनाया हम लोगों को, क्या सुनाया? कि कपिल भगवान ने अपनी ही माया के द्वारा तत्वों की संख्या करने वाले हैं। उन्होंने तत्वों की संख्या निर्धारित करने के लिए अपनी ही माया से अवतार ग्रहण किया। हैं तो वे अजन्मा, स्वयं तो हैं अजन्मा, किंतु आत्माया से उन्होंने अवतार ग्रहण किया, साक्षात अजन्मा होते हुए भी। क्यों ऐसा किया? आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम्, मनुष्यों को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करने के लिए, आत्म तत्व को समझाने के लिए। टीका, उक्तानुवाद पूर्वकम कापिलम योगम प्रक्षति। पहले क्या क्या बातें कही जा चुकी हैं उनका अनुवाद करेंगे सौनक जी, और फिर उनकी दृष्टि यह है कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को जिस योग का उपदेश दिया है उसको आप सुनाइए। तीन श्लोकों से कपिलत त्रिभी अनुवाद करते हुए पहले कहते हैं, तत्वानाम संख्याता गणतः, 25 तत्व सांख्य शास्त्राभिमत उनकी गिनती गिनाने वाले सांख्य प्रवर्तक इत्यर्थ, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक। अतः स्वयं जाता, इसलिए वे स्वयं ही
कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए। आत्मप्रज्ञतये आत्मतत्व व्यापनाय, मनुष्यों को आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करने के लिए। आप कहते नह्यस्य वर्षमणः पुंसां वरिमणः सर्वयोगिनां, विस्तुतौ सुतदेवस्य भूरित्यत्यन्तिमे शवः। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, ये भगवान कपिल तो है ना सबसे वृद्ध हैं। अस्य वर्षमणः पुंसां, पुरुषों में मनुष्यों में सबसे वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है, और सर्वयोगिनां वरिमणः, सभी योगियों में सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। विस्तृतौ सुतदेवस्य भूरित्यत्यन्तिमे शवः, ऐसे भगवान कपिल के चरित्र को सुनने में मेरे प्राण तृप्त नहीं हो रहे हैं। भूरित्यत्यंत में सवह, अथवा मेरे प्राण तक भी तृप्त हो रहे हैं, या ना कान में इधर कर दीजिए तो तृप्त नहीं हो रहा। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते, पुंसाम मध्य वर्षमणो वृद्धस्य उत्तम अस्त्यर्थ। वृद्ध का मतलब केवल आयु से वृद्ध नहीं, अनुभव उत्तम। और सर्वयोगिनां मध्ये वरिमणः, सभी मनुष्यों में उत्तम और सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ। वर्ष भाव वरिमा, भवित्व प्रधानो यम निर्देशः, माने ये भवित्व प्रधान निर्देश है, भाव प्रधान निर्देश नहीं। उनके उपदेश से यह बात मालूम पड़ेगी। वरिष्ठ से इत्यर्थ, यद्वा वरीयस्त्वाद इत्यर्थ, अथवा वरीयस्त्वाद। विश्रुतौ कीर्तौ असव इंद्रियाणि भूर्यलम न तृप्यन्ति, ऐसे इन भगवान कपिल के आख्यान को उपदेश को सुनने से मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं। श्रुतेन श्रवणेन दिव्यति द्योतते इति तथा तस्य, क्योंकि इन भगवान का उपदेश सुनते ही मनुष्य जो है देव भाव को प्राप्त हो जाता है। श्रुत देवस्य द्योतते इति तथा तस्य, जिनके उपदेश को सुनने से सामान्य मनुष्य देव बन जाए, अथवा यद्वा भूरि बहुशा श्रुतो देवो येन, अथवा जिसने भगवान के संबंध में लीला चरित्रों को बहुत बार सुना है ना, यथा त्वं मां प्रचोदयसि, जैसे कि आप ही नहीं तस्याद में असलहित संबंध, तो ऐसा भी मैं यद्यपि मैं भगवान के लीला चरित्रों को वर्षों से सुन ही रहा हूं, तो भी भगवान कपिल के उपदेश को सुनने से मेरे प्राण तृप्त नहीं हो रहे हैं। उत्कंठा लगातार बढ़ती जा रही है। विश्वतः उत देव से भूर तृप्यंति न मे असव न मे अन्य। फिर कहते हैं यद्यत विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मा तुमाया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यन कीर्तयो। हे सूत जी महाराज, भगवान तो स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, वे आत्माया के द्वारा जो जो कुछ भी लीला चरित्र करते हैं, कर्म करते हैं, तान में श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यन कीर्तयो, भगवान के उन चरित्रों को मैं बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहता हूँ
और भगवान के वे लीला चरित्र कीर्तन करने योग्य भी हैं, इसलिए आप कृपा करके उनका कीर्तन करो, वर्णन करो। ठीक है, स्वानाम पुरुषाम छंदेन इच्छया आत्मा देहो यशसः। भगवान का औदार्य है कि अपने भक्तों की जैसी इच्छा होती है वैसा देह प्रकट कर लेते हैं। स्वच्छंदात्मात्मात्मात्मा या स्व माने स्वच्छंद का अर्थ स्वतंत्र भी होता है, लेकिन स्व का मतलब अपने माने भक्त, और छंद माने इच्छा। स्वच्छंद माने स्वतंत्र भी अर्थ अलग है, और स्व का अर्थ अपने भक्तजन, उनकी इच्छा। तो भक्तों की जैसी इच्छा होती है कि भगवान इस रूप में हमको दर्शन दें, तो भगवान वही रूप प्रकट कर देते हैं। ये अर्थ किया श्रीधर स्वामी। स्वानाम पुरुषाम छंदेन इच्छया आत्मा देहो यशसः। ऐसे भगवान यद्यत कर्म विधत्ते, जो जो कर्म करते हैं, तान कर्माण कीर्तनार्हाण अनुकीर्तय, वे भगवान के समग्र कर्म कीर्तन के योग्य होते हैं, उनका आप कीर्तन करो। इस तरह से जब सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से, तब सूत जी बोले, क्या कहते हैं, द्वैपायन सखस्ते एवं मैत्री वो भगवान तथा प्राहेदं विदुरं प्रीतः आन्वीक्षित्यां प्रचोदितः। हे सौनक जी, तुम जैसा प्रश्न मुझसे कर रहे हो ना, ठीक इसी तरह का प्रश्न द्वैपायन भगवान व्यास के सखा कौन, विदुर जी नहीं, सखा हो गए मैत्रेय जी, भगवान व्यास के सखा है, मित्र है मैत्रेय जी, पराशर जी के शिष्य हैं, तो उनसे भी विदुर जी ने यही प्रश्न किया जो तुम हमसे कर रहे हो। और जब यही प्रश्न किया तो भगवान मैत्रेय ने उनको वह जो उत्तर दिया वही हम तुमको सुनाएंगे। प्राहेदं विदुरं प्रीतः आन्वीक्षित्यां प्रचोदितः। ठीक ऐसा प्रश्न जैसा तुमने किया, ऐसा ही जब विदुर जी ने प्रश्न किया भगवान मैत्रेय जी से, तो मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि विदुर जी ने आन्वीक्षिकी विद्या के संबंध में प्रश्न किया है। आन्वीक्षिकी विद्या, अध्यात विद्या, अध्यात विद्या के बारे में प्रश्न करने से बड़े प्रसन्न हो गए, प्रेरित होकर के उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। टीका, यथा त्वं माम प्रचोदयसि। हे सौनक जी, जैसे आप मुझको प्रेरित कर रहे हो, ठीक इसी तरह एवं प्रचोदित आसन, ऐसे ही विदुर जी ने मैत्रेय भगवान को प्रेरित किया प्रार्थना करके। तथा तत् प्रश्नानुसारेण, तब मैत्रेय जी ने उन्हीं के प्रश्न के अनुसार जो उत्तर दिया वह हम तुमको सुनाएंगे। आन्वीक्षिक्याम आत विद्यायाम, आत विद्या के संबंध में प्रेरित किया था विदुर जी ने। अब मैत्रेय जी उपदेश आरंभ करते, क्या उपक्रम करते, पहले उपक्रम करते, कहते हैं कि देखिए विदुर जी, पितरि प्रस्थते अरण्यम मातु प्रेजिगीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे अवासीत भगवान कपिल किल। श्री कर्दम जी पिता कर्दम जी के जंगल चले जाने पर, संन्यास ले लेने पर, मातु प्रीति की सया माता देहूति का प्री करने की इच्छा से भगवान कपिल उसी बिंदु सरोवर में ही ठहर गए। तस्मिन् बिंदु सरे वासीत भगवान कपिल किलो,
उसी आश्रम में ठहरे रहे। बिंदु सरे बिंदु सरसी, बिंदु सरोवर या बिंदु सर कहते हैं कि श्री भगवान कपिल के मन में माता का प्रिय करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। पहले कितना कह चुके हैं, तमासीन मकरमाणम है ना, तत्व मार्गाग्र दर्शनम स्वासुतम देवहूत्या धातु संस्मृति बच। श्री भगवान कपिल विराजमान है, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे अकर्माणम। प्रश्न उसी से पूछना चाहिए जो शांत बैठा हो, खटापट में लगा हो तब नहीं, अकर्माणम। और कैसे भगवान कपिल हैं, तत्व मार्गाग्र दर्शनम, तत्व का जो मार्ग है उसके अग्र का दर्शन करने वाले, सूक्ष्मात सूक्ष्म तत्व विज्ञान जानने वाले। ऐसे अपने पुत्र साक्षात अपने पुत्र भगवान कपिल से देवहूत्या धातु संस्मृति बचा। माता देवहूति उनसे कहने लगी है ना, ब्रह्मा जी की बात उनको याद आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा था कि भद्रे बेटी तुम निश्चिंत हो जाओ, भगवान के द्वारा तुम्हारा बड़ा उपकार हो जाएगा। तो स्मरण आ गई बात, और तब यहां शांत एकांत में बैठे देखा तो उनसे प्रश्न करने लगे। ठीक है, तत्व मार्ग से अग्रम पारम दर्शयती तथा तम, ये देखिए तत्व मार्गाग्र दर्शन की व्याख्या श्रीधर स्वामी कहते हैं है ना। तत्व मार्ग का अग्र माने उसको पार कर जाना, उसका दर्शन करा देने वाले थे, आधा अधूरा उपदेश करने वाले। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के वचन कौन थे जिनका स्मरण आया, हे मानविते गर्भम प्रविष्ट कविट भार धन, हे मनु राजकुमारी देखो कैटभव को मारने वाले भगवान विष्णु तुम्हारे उदर में पुत्र बनकर के आए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी की बात उनको स्मरण में आई कि भले ये मेरे पुत्र तो हैं किंतु हैं ये भगवान, इसलिए आदर पूर्वक उनके सामने प्रश्न करने के लिए तत्पर हो गई। और देखिए यहाँ एक रहस्य ये है कि देवी देवहूति का तप इतना उत्कृष्ट था, धर्माचरण इतना ऊंचा था कि उसके प्रभाव से स्वयं भगवान ने वचन दिया कि मैं पुत्र बनकर के आऊंगा। कर्दम जी को कहा, जैसे देखिए संतान जो है पीछे जन्म लेती है पुत्र पौत्री पुत्री आदि, किंतु उसके आहार पोषण के लिए भगवान पहले से दूध की व्यवस्था बना देते। सर्वज्ञ परमेश्वर सनातन परंपरा की यही सर्वज्ञता है कि उनमें इस प्रकार का धर्म कर्म था, निष्ठा थी, तप था, उसके प्रभाव से स्वयं भगवान ने उनको उनका कल्याण का संकल्प कर रखा था। उसी प्रकार से योजना बनती चली जा रही है। आप देखिए कि प्रश्न क्या करते हैं, देवहूति इसको टीका हो गई इसकी, कहते हैं निर्वीणानितराम भूमन असदिंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेनो प्रपन्नांधम तमः प्रभो। माता देवहूति का प्रश्न देखिए कितना गंभीर है, हे भूमन, भूमा परमेश्वर,
ऐसा नहीं कि जो है पुत्र ही तो अपना है, ऐसा नहीं, भगवान समझ करके प्रश्न कर लो। हे भगवान, मैं अत्यंत निर्विण हो रही हूँ, खिन्न हो रही हूँ, उदास हो रही हूँ, नितराम निर्विण हम जाता खिन्न हूँ, निराश हूँ, क्यों क्यों? असद इंद्रिय तरसनाथ, असत रूप इंद्रियों के तृप्त करने में, इंद्रियों की विषयों की लालसा के कारण, अभिलाषा के कारण मैं निर्विण हो गई हूँ, थक गई हूँ। देखिए, असल में इंद्रियां और विषय अगर ये वास्तव में हो तो थकावट ना हो, लेकिन ये सब तो असत है, इनको कितना प्रयोग करते जाओ लेकिन खाली का खाली है। इसलिए थक गई हूँ, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषय की खुराक देते देते मैं थक गई हूँ, और इंद्रियां तृप्त हुई नहीं अभी भी। असद इंद्रिय तर्पणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। मैं समझती थी कि इतना भोग दे देने पर ये तृप्त हो जाएंगे, किंतु क्या हुआ है ना, मैं इसी में लगी रही इंद्रियों को तृप्त करने में, और उसे क्या हुआ, प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभो, मैं तो घोर अंधकार में पहुंच गई, रास्ते कहां से कहां चला गया। टीका, असताम इंद्रियाणाम तर्पणात् विषयाभिलाषात्, तर्पणा माने आकांक्षा, तृष्णा से बना तर्पण, निर्विणा श्रांता, असत इंद्रियों की विषयाभिलाषा के कारण उनको खिलाते खिलाते मैं थक गई हूँ। ये संभाव्य माने न पूर्य माने न, उन्हीं को पूरा करने में लगी रही, और पूरा करते करते अंधकार के मार्ग में भटक के पहुंच गई, गड़बड़ हो गया। तस्य त्वं तपस्तम तपस्तम सौंधस्य दुष्पारस्याद्य पारकम् सच्चक्षुजन चक्षु जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। ऐसी मेरी हालत है, ऐसे मेरे लिए तमसो अंधस्य दुष्पारस्य, अंधकार अंधकार के पार ले जाने के लिए, आज पार ले जाने के लिए सच्चक्षु जन्मनामन्ते, जन्म के अंतिम जन्म के अंत में सच्चक्षु रूप से आप मुझे प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि अंधकार में कोई पहुंच जाए तो प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश कहां से आएगा, तो भगवान के लिए कहती हैं कि दिव्य नेत्र के रूप में उस अंधकार में मार्ग ढूंढने के लिए आप मुझे मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं? लगभग में त्वद अनुग्रह, यह आपका मिलना भी आपके अनुग्रह का परिणाम है। मेरा क्या है? त्वद अनुग्रह लब्धम में। ठीक है, पारम गमयतीति पारवम, पार ले जाने वाले, जिस अंधकार में मैं धीरे धीरे भटक करके घुस गई हूँ उसे पार ले जाने वाले सच्चक्षु रूप आप मुझे मिल गए हैं, अंतिम जन्म के अंतिम में। तो मैं उस श्रेष्ठम चक्षु में मया लब्धम, आप ही मुझे श्रेष्ठ चक्षु मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं? तो त्वद अनुग्रह जन्मना मन्ते भाव्ये सति, यह मेरा जन्म का अंतिम जन्म है, इसके बाद अब जन्म नहीं लेना होगा, ये विश्वास भी।
याद्यो भगवान पुंसा मीशरो वही भगवान किल लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवोदिता। कहते हैं कि हे भगवान, आप जो आदि परमेश्वर हो, ईश्वर हो, लोकस्य तमसांधस्य, यह सारा संसार अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। इस सारे संसार को सूर्य रूप चक्षु की तरह से आप प्रकट हुए हो, माने मेरा तो कल्याण होगा ही, सारे संसार का कल्याण होगा। ठीक है, तत्प्रपंचयति सा भगवान, भगवान चक्षु रूप उदिता सूर्यो यथा, ऐसे ये भगवान चक्षु रूप में प्रकट हुए हैं, जैसे सूर्य भगवान उदित हो जाते हैं। अथमे देव सम्मोह मता कृष्टुम तमरहसी, योग्रहो अहम ममेति ते तस्मिन् योजितस्त्वया। प्रश्न करते हैं कि हे देव, मेरे भीतर जो सम्मोह बन गया है, आप इसको दूर करने के योग्य हो। सम्मोह क्या कर रहा है? यो अवग्रहो अहम ममेति, अहमता और ममता, इसका जो अध्यास अवग्रह, यह जो आपकी माया के द्वारा ही बन गया है। तस्मिन् योजितस्त्वया, आपने ही अपनी माया के द्वारा, है ना, अहंता ममता का सम्मोह जो बन गया है, इससे आप मुझे बचा लीजिए, खींच लीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, अपाकृष्टुम अपने तुम, बचाने के योग्य हो। कौसौ सम्मोह, क्या यह सम्मोह है? तस्मिन् देहादौ त्वयैव योजितो यो अहम् ममेत्यवग्रह आग्रह। देह और देह से संबंधित में, देह के प्रति अहंता और देह संबंधित की ममता, यह आपकी माया के द्वारा बना हुआ है। द्वितीय इत शब्दस्य, शब्द तत्कार्य रागादिग्रहणार्थः। अच्छा, यो अवग्रहो अहम मम इति, एक ये है, इत्ते तस्मिन् योजितस्त्वया, इति ए तस्मिन्, दो इति है ना, तो उस पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि माने पहले तो सम्मोह अहंता ममता, और दूसरे इति का अर्थ है राग द्वेष, उसका परिणाम राग होना, द्वेष होना, शरीर के प्रति अहंता, संबंधों के प्रति ममता, उसके बाद राग और द्वेष। तो दो, दो दूसरे इत शब्द के द्वारा राग द्वेष का ग्रहण कराने के लिए। तंत्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुथारम, जिज्ञासया हम प्रगते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे भगवान, मैं आपके शरण में आई हुई हूँ, है ना, तो अहम शरणम गता, आप कौन है? शरण्य है, जीव मात्र के शरण ग्रहण करने योग्य आप। एक, स्वभक्त संसार तरोह कुठारम, अपने भक्त के संसार वृक्ष को नष्ट करने के लिए आप कुठार रूप हैं, ऐसे आपके मैं शरण में आई हुई हूँ। जिज्ञासया हम प्रगते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, आप सद्धर्म के जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। किस लिए? मैं प्रगति पुरुष का विवेक जानना चाहती हूँ, क्योंकि प्रगति पुरुष का विवेक जब तक हमको अपने भीतर नहीं प्रकट होगा, तब
तब तक उपदेश कारगर नहीं होगा अभिप्राय है। इसलिए यह विवेक आप मुझे दें। टीका, प्रगते पुरुषस्य च जिज्ञासया त्वाम हम शरणं गता। प्रगति पुरुष के विवेक की जिज्ञासा को लेकर के मैं आपके शरण में आई हुई हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। आप अपने भक्तों के संसार का नाश करने वाले उद्धार हैं। मैत्रेय जी कहते हैं यही एक इति स्वमातुर निरवद्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम धियाभिनंद्यात्मवतां सतां गतिर्बभाषीति स्मित शोभिताननः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से अपनी माता देवहूति के प्रश्न को, जिज्ञासा को, जिसका विशेषण है निर्वद्यम ईप्सितम, माने ऐसा ईप्सित है जो निर्वज्ञ है, विशुद्ध परमार्थ है, संसार से कुछ भी संबंध नहीं है इसका, विशुद्ध परमार्थ है। और इसको दूसरा कोई सुन ले, निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम, तो उनके अपवर्ग की भी वृद्धि हो जाए, माने अच्छा लगने लगे, अपवर्ग में रुचि बनने लगे। तो माता देवहूति को उस प्रश्न का भगवान ने अभिनंदन किया, बुद्धि से, वाणी से नहीं कहा लेकिन बुद्धि से, कि देखो माँ ने कैसा प्रश्न किया है, ऐसा अपने अंदर दिया अभिनंदन। बुद्धि से अभिनंदन करने मैंने बुद्धि समझ लेती है कि बड़ा ऊंचा प्रश्न किया है, परमार्थिक प्रश्न। और एक होता है कि वाह भाई वाह, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जैसे जैसे परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अरे तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया, बड़ी आदेश प्रश्न। यहाँ उन्होंने कहा नहीं कुछ, लेकिन बुद्धि के द्वारा अभिनंदन किया। ध्याभिनंद्यात्मताम सताम गतिर बभासमित शोभिता। जो भगवान आत्मज्ञानियों के और सदपुरुषों की गति हैं, प्राप्तव्य है, गम्यते या गति प्राप्तव्य, वे भगवान ईषद स्मित शोभितानना, कुछ मुस्कुराते हुए से जिनका मुखारविंद शोभा को प्राप्त कर रहा है, वे बोले। ठीक है, अपवर्ग वर्धनम मोक्षे रति जनकम। माँ देहूति का जो प्रश्न है, इसको कोई सुन ले, उत्तर को सुन ले, तो सुनने वाले को मोक्ष में रति होने हो जाएगी। ईषद स्मितेन शोभितम आननम यस्य, कुछ मुस्कुराते होने, मुस्कुराने से जिनके मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है, वे भगवान कपिल बोले। बैठ